जय जगन्नाथ। इतनी हम कि जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज सूरत की इस जनसभा में अन्य भाषाभाषी सेल के प्रमुख आदरणीय हेमंत भाई मंच पे बैठे हुए, अन्य तमाम नेतागण, विभिन्न भाषा के, ओडिया हो, बिहार से आए हुए हो, राजस्थान की भाई बहन हो, सूरत तो एक प्रकार से मिनी इंडिया है, लघु भारत है। ऐसे अनेक भाषाओं की लोगों को स्थान देने वाला इस सूरत की सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनों को, युवा साथियों को, पत्रकार साथियों को मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। ये सभा प्रमाणित करती है आपकी विश्व की सबसे लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपकी आस्था, विश्वास और आपकी श्रद्धा के ये नमूना। इतने संख्या में आप आज यहां उपस्थित हो। मित्रों, पिछले 27 साल से आप लोगों ने अवसर दिया है, मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी को आपका सेवा करने के लिए। आपने देश में भी पिछले 8 साल से नरेंद्र मोदी जी को देश को संभालने के लिए, देश को सेवा करने के लिए अवसर दिया है। मित्रों, आज दुनिया में संकट है, कोरोना की संकट, विश्व में अनेक देशों में आपसी झगड़े के कारण विश्व की अर्थनीति एक प्रकार से पटरी से उतर चुकी है। मैं सूरत में इस विषय को उठाना चाहता हूं। यह सब गंभीर समस्या के बाद भारत को और गुजरात को मोदी जी ने और उनकी टीम ने आज बखूबी संभाला है। आप कल्पना करें, मैं उन दिनों को भूल नहीं सकता जब कोरोना की प्रकोप चरम पे थी। हम उड़ीसा के भाई बहनों के बारे में चिंतित होते थे, ये श्रीकांत भागीरथी भाई, हम सभी मित्रों से हम खबर रख रहे थे कैसा स्थिति है। लोग घर भागे, केवल उड़ीसा की नहीं, सूरत में रहने वाले सभी प्रांत की लोगों को दिक्कत हुई। गुजरात सरकार ने संभाली, उन राज्यों के लोगों ने भी संभाला। लेकिन मित्रों, कमाल ये देखिए, साल डेढ़ साल के बाद सारे लोग फिर लौट आए और सूरत की अर्थनीति में फिर गति आने लगा है, रोजी रोटी कामकाज सहज होने लगा है। पिछले लगभग 2 साल से भारत की 80% आबादी को मोदी जी की सुप्रबंधन के कारण अनाज मिल रहा है।
बैंक खाते खुले हैं, बहनों को जनधन खाते में 1,500 रूपया की मुआवजा आया कोरोना के दिनों में। मित्रों, हर घर में बिजली, हर गरीब के सर के ऊपर छत, नल में जल, एलपीजी की चूल्हा, ये अनेक कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी की शासन के कारण हो पाए। गुजरात में उन्होंने जो प्रयोग किया विकास की, और मोदी जी की विकास की केंद्र में कौन होते हैं? मोदी जी की विकास में केंद्र में गरीब होता है, आम आदमी होता है, सामान्य नागरिक होता है। सामान्य नागरिक की जिंदगी में खुशहाली आए, अर्थनीतिक संपन्नता आए, चिकित्सा सेवा हो,